Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद शुक्रिया प्लीज विराजमान हो जाइए अर्चना आपको पता क्रिकेट में हमारा देश टॉप पे है तालियां होनी चाहिए और आज यहां पे कुछ स्टार क्रिकेटर्स अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं मैदान पे तो ये धड़ल्ले से टिके रहते हैं आज देखना है अपनी पत्नियों के आगे कितनी देर टिकते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड मिसिज आक्षी चोपड़ा मिस्टर सुरेश रैना एंड मिसिज प्रियंका रैना Mr. Deepak Chahar and Mrs. Jaya. Welcome, Babi. Welcome. Good to see you again. Chahar Saab. Hello. Hello, bhaiya. Welcome. Hello, Babi. Welcome. Zordar taaliyan ho jaye hamare mehmanon ke liye. Aap tino jodiyon ka bahut swagat hai. Ab bade pyare lag rahe hain aap tino saath mein. Thank you. Itna sharma raha hai Deepak aaj. अपनी पत्नी के साथ आए हो ना इतना घबराने की क्या जरूरत है आइए प्लीज विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां हो जाए आपको पता है जब हमने इनको निमंत्रण भेजा था हमने तीनों से पूछा कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं अकेले के अपनी पत्नियों के साथ तीनों ने एक साथ जवाब दिया अकेले दीपक जय आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक आपकी नई नई शादी हुई है मैं आना भी चाहता था पर बाद में याद आया आपने बुलाया नहीं भैया बुलाया था देखो सुरेश भाई कैसे बस ठीक है भाई कैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं आप थैंक यू भाई भाभी कैसी हैं आप ऑल गुड थैंक यू बहुत ट्रैवलिंग एमली कर रहे हैं आप आजकल नहीं नहीं कश्मीर बहुत जाते हैं मैंने देखा हाँ गए थे पिछले अच्छा सुरेश भाई ना बड़े प्यारे इंसान है और हमेशा हंसते रहते हैं स्माइल रहती है इनके चेहरे पे इनको हसमुख कहा जाता है टीम में भाई शादी के बाद ये जो आपका टाइटल है हसमुख वाला ये बरकरार है या छीन लिया गया समाज द्वारा छीना नहीं है और जब साथ में प्रियंका आई तो और उसका नूर और आगे बढ़ गया भाई बिल्कुल अरे भैया मैंने मैंने जब जया को प्रपोज किया हमारी एंगेजमेंट हुई हाँ। उसके बाद में रैना भाई ने जो मेरे को डायलॉग दिए हैं क्या 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 अरे ऐसा होता है तूने और एंजॉय करना चाहिए था लाइफ को ये है वो है हम भी देख लो और फिर भी कर ली देखो आप अच्छा आदमी जब अपने प्यार को प्रपोज करता है ना तो पहले माहौल बनाता है रोमांटिक डेट पे लेके जाता है कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है ना ये भाई साहब ने क्या किया इन्होंने मैदान में प्रपोज किया जया को हजारों लाखों लोगों के सामने तो दीपक आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं लाखों लोगों के सामने प्रपोज करता हूँ इसलिए कि कल को मुकर ना जाए ये उसमें ज्यादा रिश्ता मुकर जाती तो बहुत बेइज्जती हो जाती अच्छा जिस दिन इन्होंने प्रपोज किया उस दिन इनको रन भी बहुत पड़े तो आपको डर नहीं लगा कहीं जया ये बोल दे कि देखो आज आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी अगला मैच देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगी तो इस मैच से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ऐसे ऊपर जा नहीं सकते मैच छोड़ के तो काफी परमिशन वगैरह लेनी पड़ी अच्छा तो माही भाई से भी लेनी पड़ी क्योंकि कैप्टन है जी तो मेरा तो प्लान था कि सेमीफाइनल फाइनल में ऐसा करूंगा तो वो ज्यादा रहेगा कि फाइनल जीतने के बाद में बट माही भाई ने बोल दिया कि देखो भाई ये सब अपना पहले निपटा लो सेमीफाइनल फाइनल में ये सब फोकस चाहिए क्रिकेट पे तो उस मैच में हम लोग सेकंड बॉलिंग कर रहे थे अच्छा केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था उस मैच में से बहुत चौके छक्के मारे बहुत तगड़ी फॉर्म में था अच्छा माही भाई फिर भी मेरे को कराए जा रहे बॉलिंग तू एक ओवर दो ओवर रन पड़ रहे और दोबारा आ जाके तेरे को बहुत जल्दी थी तो जल्दी जा अच्छा सुरेश पाजी की जब एंगेजमेंट हुई ना तो 3 अप्रैल को हुई अच्छा फर्स्ट अप्रैल को अप्रैल फूल बोला जाता है फूल्स डे तो आपकी 3 को एंगेजमेंट हुई आपको लगता है फूल और हस्बैंड एक दो दिन का ही फर्क होता है नहीं एक्चुअली हम फैब में मिले थे अच्छा जी तो आई थिंक 3 अप्रैल 3 नंबर लकी है मेरे लिए अच्छा जी और आई थिंक ऊपर वाले की दुआ से वो दिन ही हम दोनों को आपस में मिलना था फैमिली को मिलना था बट जैसे आपने बोला फूल और 3 अप्रैल मतलब बहुत ही सिमिलर है बट उस फूल में जो सुगंध मिली ना परिवार का आशीर्वाद मिला तो फिर 3 अप्रैल हे भगवान क्या कर दिया आपने उनको हर बात में प्यार मोहब्बत भगवान ईश्वर शुक्र है ग्रेटिट्यूड कमेंट्री के लिए आया तो कुछ और बता रहा था
नहीं तो पाजी आप भाभी से फेब में मिले थे? नहीं, मैं पहले काफी सालों से जानता हूँ उनको। अच्छा। वो फैमिली हम लोग की काफी क्लोज है, गाजियाबाद में एक प्लेस है मुरादनगर ऑनर्स फैक्ट्री में, मेरे पिताजी भी जॉब करते थे, उनके जो पापा थे फादर इन लॉ मेरे, वो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे जी, जो ब्रदर थे वो भी आए, मैं अभिषेक चौधरी इधर बैठे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। तो उनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा जी, तो भाजी लिखा था वो, तो पता ही जब मोहब्बत होती है प्यार होता है उसको जाहिर करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है भाजी। आकाश भाजी आपकी जोड़ी आकाशी जी के साथ कैसे बनी थी? ये मैच देखने आई थी या आप कैच पकड़ने इनके घर गए थे? सो ये कर रहे थे, एक चैनल में काम कर रहे थे, जर्नलिस्ट एक्चुअली, सीरियस जर्नलिस्ट के ऊपर नजर रखी आपने? उन्होंने मेरे पे नहीं, हाँ मैंने रखी है। इनको क्रिकेट का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, इनके हिसाब से क्रिकेट होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा भाई, अगर वो नहीं है तो फिर कोई क्रिकेट ही नहीं। सेम है, मैं भी फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान। मुझे ये नहीं पता था कि जैसे अब आप मेरे को डाउट क्लियर करो कि अगर एक बैट्समैन चौका मारता है तो भागता क्यों नहीं है? आई मीन रन और मिल जाएंगे यार। अच्छा, जैसे चौका मारा और तीन रन आप भाग रहे थे तो सात हो गए ना? हाँ। मैंने कहा सात नहीं होंगे बाबा, ये चौका हो गया है। देन आई मेट हर, और फिर इनके पिताजी के पास जब मैं पहली बार गया तो एक्चुअली हम तीनों की शायद स्टोरी होगी। तो पापा पहली बार यही पूछते हैं कि अच्छा करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर आप कह रहे अच्छा वैसे काम क्या करते हो? क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूं। काम क्या करते हो? खाना कहाँ से लाते हो भाई? तो फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि खेलने से चल जाता है घर आजकल। जैसे आकाशी भाभी ने बोला ना कि हाँ भागते क्यों नहीं, रन क्यों नहीं लेते, मैं भी ऐसे सोचता, ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे। हम तो अमृतसर में खेलते थे ना गली में, तो एक लड़के ने शॉट मारी, बॉल मिली नहीं, उसने 140 रन ले लिए भाग भाग के। बॉल मिली के तीन घंटे बाद। 83 वर्ल्ड कप में होता भाई जब कपिल भाजी वर्ल्ड कप जीते थे। हाँ। तो एक ग्राउंड था आई थिंक कैंटरबरी ग्राउंड, उसके ग्राउंड में अभी भी ट्री है वो। अच्छा जी, तो बाउंड्री उसके बाहर है वो, अगर एक बार बॉल घुस गई पेड़ के अंदर तो प्लेयर भागते रहते थे। पहले भागते अच्छा। फिर डेड बॉल होती नहीं थी, 20 50 100 रन भागते रहो, चार दिन बॉल ही ना मिले तो भागते रहो। कभी कभी ना बड़ा अजीब माहौल हो जाता है, जैसे भज्जी पाजी गीता भाभी ने बोला कि भज्जी पा कहते यार मैं गया मैच से और मैं आउट होके वापस आ रहा हूँ, और गीता ने हाथ में झंडा पकड़ा है, बोलती ये कहते मैं उसको बोलूं पीछे हो मैं आउट होके आ रहा हूँ। आकाशी भाभी, एक ना हमारे गुरुजी हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी एक कहावत है, वो कहते हैं कि जिस आदमी को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता वो कमेंटेटर बन जाता है। इस कहावत से आपकी सहमति है? अब वो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है मुझे लग रहा है। वैलिड क्योंकि, नहीं है? हाँ, देखो कौन से हस्बैंड ने जो घर बोलते हैं, मतलब कौन से आप बोलते हो? मैंने इसीलिए ये दुकान खोल रखी है, जितना बोलना इधर बोल के घर चला जाता हूँ। तो कभी आपने इस बात का फायदा उठाया कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे कमेंटेटर हैं कि आप आज आप घर पे हो तो आज हमारी किटी पार्टी चल रही है उसमें थोड़ी कमेंट्री कर दो, कभी लिया आपने ऐसा फायदा? मैं आपको बात बताती हूँ, एक दिन कुछ हुआ हमारे बीच में, गुस्सा हुई मैं, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अच्छा, मेरे को लगा रोकेंगे कुछ कहेंगे, तो पीछे से आवाज आई पहली बार किया है कदमों का सही उपयोग। उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल मैंने कई दिन तक देखा। इनको हमने देखा जब मैच के दौरान ना लोग सवाल पूछते हैं, सबका जवाब देते हैं, तो घर आने के बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं, आज ये मेरा मंच है जहाँ मैं ये अर्जी देना चाहती हूँ कि इनको हर हर सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं आई गेट पेड टू टॉक, तो वेयर्स द मनी हनी। सारी पोले खुलनी है, हमने आकाशवाणी सुन रहा था, अक्षी आकाशवाणी सुन रहे हैं। इनका नाम वाणी होना चाहिए था। आई एम द वाणी। ये सवाल मेरा आप तीनों लेडीज से है, वैसे तो सब क्रिकेट में बिजी रहते हैं लेकिन जिस दिन ये घर पे होते हैं उस दिन घर के काम मदद करते हैं या इंजरी का बहाना बोल के रेस्ट ले लेते हैं ये? नहीं नहीं, घर का सारा काम यही करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। He loves doing that. He's a pro. नहीं मैं करता हूँ भाई बिल्कुल। मैंने देखा बहुत बार इंस्टाग्राम पे आपकी कुकिंग करते की, मैंने सुना प्रियंका भाभी ने हाँ भी इसीलिए की थी शादी की कि सुरेश खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं आते, तो आई थिंक दैट वे अच्छा है कि खाना बना। अभी भी सोच रहा है मेरा भाई आज घर जाके क्या बनाना है। मैं चेन्नई भिगो के आया हूँ। नहीं जी, मैं बोलता हूँ भाई आप 15-20 साल देश के लिए खेलते हो,
और वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करती है, आपके इन लॉज को लुक आफ्टर करती है, फिर बीइंग ए इंडिपेंडेंट वुमन अपना काम भी करती है। तो पाजी खाना एक घंटे में बनता है, अगर वो उस खाने में प्यार हो तो फिर घर का मुझे माफ कर दो महाराज, महाराज ये तो ये ना हमारी बीवियों को आइडिया देके जा रही है, आप हमें मरवाओगे अब। मैं यही कहने वाला था भाई साहब, आप अपना खाना बना लो, हमारा क्यों बना रहे हो? आप अपना बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता है। हमारी अर्चना मैम है ना, इनके हस्बैंड प्रमीत सर, वो वैसे क्रिकेट तो नहीं खेलते, इंजर्ड रहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो किसी काम के लिए ना कर दे तो ये बॉल फेंकती उनपे, मेरे मेरे पे भी फेंकने के लिए उन्होंने बॉल रखी हुई है। हाँ। मेरे को तो सॉफ्ट बॉल मारती ना। हाँ। परमीत सर को मारने के लिए लोहे की बनवा रखी उन्होंने। अच्छा मारती है, बोलती कैच भी नहीं करना, जहां लगती है लगने दो। तो वो बेचारे क्या करते हैं, छाती पे थालियां बांध के घूमते हैं। सीरियसली मैंने देखा है, एक बार उन्होंने ऐसे छाती पे पेट पे थालियां बांधी है, पीछे डोंगे बांधे होते हैं। एक दिन प्लेट बांध के घूम रहे थे, इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें चावल दे दूं, कहते मैं लेट जाता हूं तो ऊपर ही डाल दे, प्लेट भी मैंने खोल ली। क्यों करती हैं आप इतना तशद्दत, क्यों करती हैं मोहतरमा? जया आपकी शादी को तो थोड़ा ही समय हुआ है, तो जितना भी समय हुआ है उसमें क्या क्या सीख गए चेयर साहब? अभी तो बहुत कुछ, बिजनेस भी सिखाया है, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो हमने एक दो नई कंपनीज खोली हैं, एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म की खोली है। अच्छा, उसमें भी हम साथ हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको कहानी बताती हूँ कि जब मैं दीपक के घर पहली बार गई थी ना, जब हमारे पेरेंट्स ने बात करी थी, तो इनके जो फादर हैं ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने खुद खाना बनाया और मुझे हाथ से खिलाया। तो आपको आइडिया लग गया होगा तो कि आगे बेटा भी ऐसे ही होगा। तो उसी के बाद हम साथ में आईपीएल के लिए भी गए थे। तो एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ एक बार ही कुकिंग करी जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने थोड़ा सा चूल्हा जलाया था, क्योंकि मुझे रस्म होती है। रस्म होती जो। हाँ, तो उसके अलावा आई थिंक हम सब कुछ साथ ही करते हैं, खाना मैं नहीं बनाती। हाँ, बिजनेस में बहुत बहुत हार्डवर्क करती हूँ। हम लोग उधर वर्ल्ड कप में थे तो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं, मेरा भाई राहुल और जय, हम तीनों थे। मैं खाना बनाता था, राहुल सब्जियां काटता था। उसको सबकी ड्यूटी फिक्स थी कि भाई वो सब्जियां काटता था, खाना मैं बनाता था, बर्तन धुलवाने का इसका काम था। अच्छा। बड़े धोती नहीं थी, बुलवा के धुलवाती थी कि बच्चे धो दो बर्तन। यही है बिजनेस वुमन, करवाना है काम, काम होना चाहिए। भाजी लॉकडाउन में सबने सीख लिया ना, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था, ये तो सब्जी काटने के बाद लोगों ने झाड़ू भी लगाए, मैंने खूब झाड़ू लगाए घर पे भाजी। सबने सबने किए तो दो साल में जो सीखने को मिला भाजी, उससे अगर कोई हेल्प, जो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है महाराज। सबको काम खुद ही करना पड़ रहा था। हाँ। जैसे हमारा ही दिनेश नहीं, जो गिटार पे बैठा मेरा दोस्त, तो घर पे क्या आदमी ना निक्कर और बनियान में आ गया था, तो ये अकेला रहता है मुंबई में, तो इसने तो निक्कर भी उतार दी। कहता जब मास्क ही पहना हुआ तो किसी को क्या पता चल रहा कौन घूम रहा है। अच्छा, जैसे आपकी भी हाल ही में शादी हुई है, जो आज से 10 साल पहले शादियां होती थी ना, उसमें बड़ा एम्बेरसमेंट बड़ा करवाते हैं फोटोग्राफर कि एक दूसरे को खाना खिलाओ। अच्छा, एक्टर लोग तो उनको पता है कि सिर्फ पोज ही देना है, कई लोग मेरे जैसे भोले सीधा खाने लगते हैं, मुंह में चावल फंसे ऐसी वाली फोटो आ जाती है हमारी। आपने किए ये सब? नहीं नहीं, हमने बढ़िया प्लानिंग करी, तो हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं। और हमने बट एक ही दिन दिक्कत हुई, जिस दिन शादी हुई थी, जो लोगों से पिक्चर खिंचाई है उसमें ऐसे कर करके ना जबड़े में दर्द हुआ रात भर। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली पगड़ी भी बहुत टाइट बांध देते हैं वो। अच्छा। तो सर में दर्द अलग और जबड़े में दर्द अलग, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं बाकी तुम्हारे। तो ऐसी वाली फोटो नहीं खिंचवाई जाए आपने? ऐसी वाली करवाते हैं फोटोग्राफर? ऐसे वाली नहीं, वो ऐसे है। हाँ, मतलब आई एम फिक्सिंग, मैं थोड़ी मॉडर्न ब्राइड हूँ, तो मैंने उस हिसाब से खिंचाई है। ऐसे तो बहुत मेरे मेरे मुंह में गुलाब का फूल और ऐसे कर खिंचवाई तो यार हमने। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं शादी में, जो मतलब ऐसी बड़ी शादियां देखी मैंने पंजाब में, तो जब सारा खाना वाना हो जाता है ना बारात का, दूल्हे के लिए फिर गर्म किया जाता है स्पेशली, वो सब बेटर बेटर आपके पास रहते हैं, एक ही प्लेट देते हैं आपको कि एक ही प्लेट में खाओ, है ना? नहीं, वो जो शादी कर रहे थे उनको पता होता है कि प्लेट के पैसे लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही प्लेट से हम एक ही में खा लेंगे, इतना खर्चा हो जाता है आदमी की शादी लोग बुलाते हो तो पर प्लेट के पैसे लगते हैं। बट आप सबको बता देता हूँ कि जहाँ आप दूसरे की शादी में जाओ तो एक ही प्लेट लेनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेट के पैसे लगते हैं। आप तीनों लेडीज से मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि
आपने बड़े प्यार से कभी कुछ बनाया हो इनके खाने के लिए और इन्होंने नुक्स निकाल दिया हो और आपने कहा हो तुम भी तो फिर कल 6 पे आउट होके आए थे ऐसी नोकझोंक होती है कभी? ऐसा तो नहीं बोला, बट स्टार्टिंग में जब कुछ बनाया और पसंद नहीं आया तो फिर ये बोला आज से आप ही बनाओगे, हमेशा आप ही बनाओगे। प्रभु आपके क्या विचार हैं इस बारे में? रन पाजी कभी ऐसा हुआ आपने भाभी को बुलाया हो मैच पे आ जा देखने और वहां पे पहले ओवर में काम खराब हो गया हो आपका? नहीं भाजी, बहुत बार हुआ है, इंग्लैंड में खेल रहे थे, आईपीएल में कई बार हुआ है वो। तो ऐसे जब होता है कभी तो वापस जाके आप पहले कैप्टन को क्लेरिफिकेशन दे जाते हो या कैप्टन बोलता है मैं तो खुद शादीशुदा हूं, पहले बीवी को समझाओ? नहीं, कैप्टन का वो नहीं है। अच्छा। उसको पता है कि दूसरे मैच में रन बना ही देगा वो। राइट। बस जैसे ही रूम में आप घुसते हो तो जल्दी मन करे की कार्ड लेके ना अंदर एकदम पहले आइस बात ले लो, शावर लेके बैठे रहो। हाँ। कि पता नहीं भगा ही दिया कि जाके प्रैक्टिस करने चले जाओ, दूसरे मैच में रन बनाना। और बहुत बार होता है ऐसे, वो गुस्से में खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, सबके साथ होता है वो। वाइफ आती है सज वज के एकदम मेकअप शेकअप लगा के कैमरे पे, उसका पति रन बनाएगा वो पहली बॉल में आउट होएगा, भाजी कहाँ से खाना मिलेगा? ये तो प्रॉपर वैसे वाली है जो लोग देखते ना, अबे क्या यार, मैं इसके साथ मैच बैठ देखता हूँ कभी जिसमें मैं नहीं खेल रहा, अबे इसको किसने टीम में लिया? मैंने कहा तो मेरे लिए भी ऐसे बोलती होगी। अच्छा मैंने देखा जो आदमी जब सेंचुरी मार के आता ना 100 के ऊपर रन बना के फिर आउट हो गया, तो फिर तो आराम से कॉफी पीके ना शीशे के अंदर खड़ा देख रहा होता है कौन दूसरा अच्छा खेल रहा है, नहीं खेल रहा। और जो बेचारा 2-3 पे आउट होके आ गया वो फिर गिल्ला तौलिया करके ना सर पे डाल के यूं करके पवेलियन में बैठा होता है, वो ज्यादा देखता नहीं इधर उधर, होता है ये ह्यूमन नेचर है। नहीं, अनलेस कि आपका नाम वीरेंद्र सहवाग हो। हाँ। अगर वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया, अच्छा, तो एक्चुअली टीम चाहती थी मत आउट भाई तू खेल ले, क्योंकि जब बाहर आके बैठता था राहुल द्रविड़ के साथ बैठा है, वो 3 पे जा रहे हैं 4 पे बैठ के हर बॉल में बोलेगा अरे तो चौके वाली बॉल है यार, वो इस पे मैं तो चौका मारता, कह रहे वीरू तो आउट हो गया है यार, कह रहा मैं तो मारता, ये बॉल बॉलर ही नहीं है, ये सब 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 घटिया बॉलर। अच्छा। तो वीरू तू अंदर खेल ले भाई तू मार, तो वीरू आउट नहीं होना चाहिए। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे, वो लॉर्ड है। भाभी कभी ऐसा हुआ है आपसे कोई मन मुटाव करके गए हो मैच खेलने और वहां पे जाके 3-4 स्कोर में आउट हो गए और घर आए आपने कहा हूँ आ गया स्वाद? ऐसा हुआ है, है? लेकिन मैं वहाँ साइड में ही बैठी होती थी तो अच्छा। मैं उधर ही लुक दे देती थी, घर आने का टाइम ही हाँ उधर ही उधर से ही हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई, मेरे को लगता है इन लोगों पे इतना प्रेशर होता है कि आप गलती से भी ये बोल दो आपके नेक्स्ट 3-4 दिन तो आपकी बात नहीं होगी। और मैंने ये हर कोई जो हु इज मैरिड टू अ क्रिकेटर विल से दैट कि अगर आप आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चाहे आपको कितना मर्जी उस टाइम जरूरी है बात करना लेकिन आप नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे याद है जब ये खेलते थे तो थोड़ा जाप करती थी तो खाती नहीं थी, जैसे ही आउट हुए चाउमिन मंगाओ मंचूरियन मंगाओ ये मैंने कहा सेलिब्रेट कर रहे हो आउट हो गया उस टाइम आप ठीक है ठीक है। पर ऐसा दिमाग में भी आ जाता ना कि अच्छा मैं चुपचाप जाप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ अच्छा खेल रहे हैं तो मैं यही ऐसा होता भी ना, थोड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं फैंस को होते हैं, अगर आप खेल रहे हो तो वो एक जगह बैठे बोलते सुरेश भाई अच्छा खेल रहे हैं मैंने सीट नहीं चेंज करनी। आप भी घर पे ऐसा करती हैं? इसके साथ तो बहुत हुआ है, इसको तो एक आईपीएल में एक ही कपड़े में ले जाते थे हर मैच में। अच्छा। कि अच्छा इस ड्रेस जो पहन के आई थी तो अच्छा परफॉर्म हुआ था इस। हाँ, तो लास्ट में लोगों ने लिख दिया कि भैया मैडम आपको एक ही ड्रेस है क्या? पर जया ने कितनी अच्छी बात बोली कि हम सब कैरेक्टर्स की जो वाइफ्स हैं जब भी ये मैच खेलने जाते कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो उनका फोकस हटे या वो अपसेट हों, और ये मुझे लगता है ये बात हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए चाहे किसी का हस्बैंड टीवी शो ही करता हो। मेरी आप सब से गुजारिश है जितनी भी महिलाएं इस वक्त घर पे बैठ के टीवी देख रही हैं खास तौर पे अंधेरी वेस्ट में बैठ के जो देख रही हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है जाते हुए पति को कुछ ना कहे आके भले ही उसको लिटा के पीटे आप। मान लो आप 3 लोग खेल रहे हैं ये और आप तीनों बैठ के मैच देख रही हैं, मान लो एक बंदा फटाफट आउट हो गया तो आप अपनी सहेली को देख के बोलती कि ये क्या, या आप एक दूसरे को दिलासा देते कि कोई नहीं बहन होता है हर दिन एक सा नहीं होता परसों ये भी उड़ गए थे तो, है? ये बोलती हूँ कि चल 13 वाला आउट हो गया 13 वाला तो रन बना। तो एक्चुअली ये होता है तो साक्षी भी हमारे साथ बैठी थी, साक्षी भाभी, तो जब माही भैया आउट हो गए थे और वो आए तो सीधे लाइक अरे यार ये क्या हो गया, एंड देन यू नो वी हैड टू से अरे कोई बात नहीं, प्लस माही भैया तो वी लाइक अरे कोई बात नहीं,
So of course, we also say thanks कि अरे जया उठना मत, कल यही कपड़े पहन के आना, यही खड़े रहना, तुम्हारी वजह से कपड़े बार बार. अच्छा, यही है, ये बोलते थे कि यही कपड़े पहन के आना. जैसे दिनेश है ना, इसको सब्जेक्ट में कम नंबर मिले तो टीचर को बोलते तेरे को मैं बाहर जाके देखता हूँ. ऐसा ही था ये. कभी आपकी टीम में से कोई ऐसा बंदा है जो अंपायर को जाके बोलता हूँ 302 नंबर कमरा है ना, आता हूँ मैं रात को. पहले होता था भाई. हैं? पहले होता था ऐसे? पहले टाइम जब खेलते थे तो अंपायर, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, एक कोई सनी भाई जब आपके शो में आए थे पूछते थे जावेद मेरा साहब अपना लूल नंबर क्या है, पहले वो पूछते थे अंपायर भी. जैसे आप लोकल क्रिकेट खेलते हो, अंपायर रूम नंबर नहीं बताता था, अगर उसने गलत आउट दिया तो. अच्छा, कभी कभी जो प्लेयर खेल रहा होता है उसको लगता है कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, अंपायर ने गलत दिया, तो वो बोलता है ना मुझे थर्ड अंपायर का. तो कभी अंपायर के जब आप सामने करते हो, जो खड़ा होता है उसी के फैसले के खिलाफ आप अपील करते हो, ऐसा तो कभी ऐसा हो अंपायर ने गुस्से में बोल दिया हो कि तुम तो गए यार, थर्ड अंपायर को क्या. कहीं चिड़ जाते होंगे कि नहीं? नहीं होते भाई. अभी उनका आउट देने के तरीके से वो होता है कि अगर मैंने अंपायर ने आउट दे दिया और बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, तो उसके बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो ना, तो कहता है चल तू, मैंने तो पहले ही बोला था. आज बड़ा मीठा बोल रही है, मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता गिर गया था तेरे आज. इतनी मीठी तो कभी बोली नहीं है आज तक. मतलब अब रात को अगर पति बाहर घुमाने का वादा करेगा तो पत्नी तो मीठा बोलेगी, है ना? मैंने कितनी बार कहा रात 8 बजे के बाद मेरी ट्वीट और मेरी बात, इसको सीरियसली नहीं लेना. थका आ रहा आदमी जाता है, बोल देता हाँ चलेंगे, कौन बहस करे. आपके सामने इतने बड़े क्रिकेटर्स बैठे, इनसे सीखो, इतने टफ टफ मैचेस खेलते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं बीवियों के सामने सॉफ्ट हो जाते हैं. उनकी शादी भी मर्जी से हुई है. फर्जी नहीं हुई उनकी शादी. फर्जी से हुई है मतलब? अरे मैं पार्क में जाता था वॉक करने, ये मेरे पीछे पीछे आती थी. अच्छा. इसके पिताजी एक दिन आगे कहता बेटा मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ. मैं भी इमोशनल हो गया, बाद में पता चला लखनऊ जा रहे थे, शाम को वापस भी आ गए इसके पिताजी. आप बिलीव नहीं करोगे मेरी शादी ट्रैक सूट में हुई है. हाँ? और इसने मंकी कैप पहनी हुई थी. ये ना अभी बातें बना रहा है, ये और इसके घर वाले प्रॉपर रिश्ता लेके आए थे मेरा sure. हाथ मांगने I'm और sure. ये भी कहा था कि हम लड़की को बस एक जोड़ी में चाहते हैं बस. और इन्होंने एक जोड़ी का गलत मतलब, ये माँ बाप की जोड़ी ले आई साथ में. अभी एक साल से इधर रुके हुए हैं. सीरियसली अर्चना, मैं मजाक नहीं कर रहा, डोली में से ये बाद में उतरी, माता पिता पहले मेरे बेडरूम में घुस गए. फूलों वाला कमरा सजा हुआ, बोलता बेटा तुम्हारी तो नई शादी, तुम तो कहीं भी मना लोगे, हम सो जाए. ऐसे हरकतें करते हैं. बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीता, वो 4 बियर पी के सो रहा है अंदर. यार मेरे पापा के किडनी में स्टोन था यार, ये क्या बात हुई? अच्छा, पापा की किडनी में स्टोन है, माँ की किडनी में क्या फंसा जो आधा पी के बैठी है? झूठ बोलती हो तुम. डाइवर्ट मत करो बातों को. देखो मैंने वो सिलेक्ट किया 3 जगह, तो प्लीज बताओ कि हम कहाँ घूमने जाएंगे. देयर्स प्राग, बुडापेस्ट एंड थाईलैंड. डैडी तुम्हारे ने कभी दिल्ली नहीं देखी? और कभी जम्मू गई हो तुम? तो जम्मू में हमारा कोई रहता नहीं है, वहाँ क्यों? तो प्राग में कौन सी तुम्हारी बुआ रहती है, जम्मू में कोई नहीं रहता तो. अच्छा ठीक है, सिंगापुर या लंदन ले चलो. ये कितने है? 2 उंगलियां है. और इसका मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम है. देखो तुम क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता. आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क, आई हैव टू स्लीप. शर्मा जी एक चीज ना ध्यान रख लो कि यहाँ पे जितनी हीरोइंस आती है ना, जिनके साथ आप फ्लर्ट करते हो, सिर्फ हाँ 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 करके चली जाएंगी, वो तुम्हारे साथ कोई घूमने नहीं जाएगा. ओके राइट. एक और बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सच मैं हूँ. आखिरी सच नहीं है तू. तुम लोग बड़ा हो कर रहे इसके मायके से हो. आप बोलो. तुम मेरी जिंदगी का आखिरी सच नहीं, तुम मेरी जिंदगी का कड़वा सच हो. लौकी लग रही हो तुम आज, पता है? लौकी इज वेरी हेल्दी. एनीवेज कड़वा ना मैं सिर्फ तुमको लगती हूँ.
प्रियंका कहा, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों की तरह पति के साथ दुनिया देखूंगी, पर पति के साथ दुनिया, मैं क्या चश्मा हूँ जो मेरे साथ दुनिया देखोगे? खुद देखा हो जाके तो मुझे दुनिया नहीं दिखाने वाले। आज तक बैठ के शादी का एल्बम नहीं देखा इसने साथ में बैठ के। सो दुनिया आप बताओ भाई, अपनी खराब परफॉर्मेंस की कोई हाईलाइट देखता है? कभी नहीं। तो फिर मैं कहा, मतलब मोहल्ले की आंटियों जैसी बातें क्यों घुमा रहे हो? मतलब ये सब इंटरनेट पे सीख रहे हो कि तुम सच में आंटियों के साथ बैठने लगे हो? तुम्हारे पिताजी आंटियों के बीच में से उठे तो मैं बैठूं? उनके साथ बैठ बैठ के स्वेटर बुनना सीख गए इनके पिताजी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती कुर्ता पजामा पहन के औरतों के बीच बैठे हो? वो पेटीकोट पहन के चले गए। सुनो तुमने फालतू की बातें मत करो, तुम नहीं लेके जाने वाले ना हॉलीडे पे मुझे? नो। ठीक है, मैं फिर प्रियंका की तरह अपना बिजनेस शुरू करूंगी, तुम इन्वेस्ट करोगे, आई टेक टिप्स फ्रॉम हर। टिप्स मत लो, तुम कहीं से दवाई लो ताकि तुम मैं भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी जवानी वेस्ट जा रही है, लोग समझ रहे हैं कि शादीशुदा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। थैंक यू सो मच दामाद जी, आपने मेरे आने से पहले मेरे ट्रेनर्स को बुला लिया। आप ट्रेनिंग ना लो, आप ट्रेन लो, बेटे के घर से निकलो, भूल मत जी। ए, देखो किसी की सास ऐसी होती है। और आप क्या फूलमती डायरेक्ट मम्मी को नाम से पुकार रहे? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बिंदु, नाम लेने के लिए रखा जाता है, तू भी मेरा नाम लिया कर, क्या मम्मी 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 कहती रहती है? अरे दामाद जी का लगता है मैं तुझसे ज्यादा यंग हूँ इसलिए मेरा नाम ले रहे। सुरेश भाई, आपके सम्मान में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है, वैसे अगर किसी के अपमान में कुछ देना हो उसका कोई आइडिया है क्या? जी मैं नहीं, दिलवाना है तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाओ, वुमन आईपीएल में जाने की सोच रही हूँ मैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम, ये उम्र है तुम्हारी खेलने की? अरे लास्ट बच्चा 3 साल पहले पैदा करा है मैंने। कैसी बातें कर रही हो, बताओ। और सुन, ये उम्र है सही में खेलने की? क्योंकि जवानी में खेलने जाओ तो 40-50 में रिटायर कर देते। हाँ, अब खेलने जाऊंगी तो कोई फिक्र ही नहीं है, रिटायरमेंट की तो उम्र ही निकल गई मेरी। भाई आपको कभी घर में ऐसे फ्रेंडली मैच खेलना हो ना तो मेरी सासू माँ एज ए विकेट ले जाओ इनको। शर्मा जी क्या आप, क्या मम्मी तुम भी क्या बोले जा रही हो, तब से ससुराल है ये मेरा, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पे, प्लीज यार। मेरे तो इज्जत की कभी टेंशन ना ली बिंदु, तू किस पे गई है? और हमेशा याद रख, हम बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं। अपना मुंह कब खोलो मम्मी? अरे मैं खोलती हूँ तो खुलता है, तेरा बंद मुंह भी ऐसा लगता है खुला हुआ है। क्रिकेट खेलना है, पता है क्रिकेट का बॉल कितना हार्ड होता है, मुंह पे लगेगा ना तब समझ में आएगा। बस बस बस, तेरे डैडी जी बड़े हार्ड हुआ करते थे, अब देख कैसे चूसे हुए रसगुल्ले जैसे हो गए। तो, पता है वो गली में फील्डिंग अच्छी करते थे, पापा क्रिकेट खेलते थे, अरे गली में मुझे पकड़ लेते थे बदमाश कहीं से। होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी वजह से। अरे रुक जा। ये सवाल मेरा मेरी तीनों भाभियों से है, ये आया है जनता की तरफ से, वो जानना चाहती हैं कि जो क्रिकेटर्स की बीवियां होती हैं वो भी क्या आम गृहणियों की तरह इनकी पैकिंग करती हैं जब ये बाहर खेलने के लिए जाते हैं? लड्डू पैक कर दिए, इनके कपड़े पे होता है? बिल्कुल, मेरी तो शादी इसलिए हुई थी कि मैं पैकिंग करूं। मेरे से पूछा एक दिन तेरे को क्या लगता है कि हमारी शादी के बाद में क्या चेंज हुआ है? मैंने कहा मेरा पैक हो जाता सामान। एक्चुअली सेम हेयर, मेरी भी जब शादी हुई ना मेरी वाइफ सारा सामान पैक कर देती है, ज्यादा ही कभी कभी कर देती है। पर आप खुद जब पैकिंग करते थे ना पता होता था कि कौन से कोने में मोजा है, कौन से कोने में बनियान है, अब जाके सारा सूटकेस उलटना पड़ता है ना जाके कहाँ पे क्या पैक किया है। जैसे आप कभी शॉपिंग के लिए गई हो, रैना बाजी ने मारी है सेंचुरी और दुकानदार ने कहा कि आपके पति ने क्या खेला है, तो फिर आप बोलती हैं 200-150 रुपये डिस्काउंट। ऐसे करती कभी फायदा उठाया? जाने से पहले हम लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट देके भेजते हैं, ये लेके आना हमारे लिए। प्रियंका भाभी ने कहा था कि मैं ना हमेशा सुरेश के सारे मैचेस देखती हूँ। भाभी अब सच्ची है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है या आप क्रॉस चेक करती हो कि घर से तो बोल के गए खेलने जा रहा हूँ, स्टेडियम में खेल रहे हैं ना?
देखो स्टेडियम में खेल रहे थे। मैं बहुत नर्वस होती हूँ जब ये खेलते हैं तो। अच्छा? बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ, तो मैं सिर्फ उतना ही पार्ट देखती हूँ जब खेलते होते हैं। अच्छा, से पहले नहीं देखती हूँ, से बाद में नहीं देखती। आप देखती हैं अक्षय भाभी मैच सारे, क्रिकेट की शौकीन हैं आप? हाँ देखती थी, और आई मीन अभी भी देखती हूँ, तो अब कमेंट्री वाले मैसेजेस करती हूँ कि अच्छा ये क्या बोल दिया, ये एक्चुअली में ये क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोलना था। मैंने तो तब से वो स्मार्ट वॉच पहनना ही बंद कर दिया। अच्छा। वो बीच में आ जाता है फीडबैक, अरे ये कैसे बोल दिया तुमने, ये तो गलत बात है। वो एक दिन तो स्क्रीनशॉट लेके भेजा, आई थिंक इंडिया इंग्लैंड का ही मैच था ये, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और थोड़ा प्रोफेशन को लेके मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हूँ, मतलब ठीक है देशभक्ति अपनी जगह, पर मुझे लगा कि इंग्लैंड अगर बाद में चेस करेगी चेस कर जाएगी, सो आई जस्ट सेड दैट। इन्होंने स्क्रीनशॉट करी, वी नीड टू टॉक, इट इज अ डेंजरस थिंग। ये मेरे दोस्त भी भेज रहे हैं, फ्रेंड ने बोला, दोस्त भी बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड ने अभी अभी बोला है कमेंट्री पे कि इंग्लैंड जीत जाएगी। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं अभी पता कर रहा हूं। मैं ना भैया भाभी को 2010 से जानते हूं, तो मैं जब राजस्थान के लिए मैं पहले साल खेला, तो भैया भी उस टाइम राजस्थान के लिए प्रोफेशनल खेले। अच्छा। तो मैं तब से भैया को देखता आ रहा हूं, भैया उस टाइम भी बात करते करते टाइप कर देते थे कुछ भी। इतनी प्रैक्टिस हो गई। हाईएस्ट रन गेटर भी थे आकाश भैया, राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीता भी था वो। अच्छा जी। तो आई थिंक दो लगातार बैक टू बैक जीता था, तो उस टाइम ही दीपक उन्होंने वहां पर देखा, और उस टाइम दीपक ने एक मैच में 8 या 9 विकेट लिया था, लगा था फर्स्ट डेब्यू मैच, 8 10 रन देगा 8। ओहो वाह क्या बात है। दीपक ने ये लाइन बोलते ना, 10 रन देके 8 विकेट, साथ ही बीवी की तरफ देखा कि अब बता। जय कभी ऐसा हुआ कि आपने जब दीपक घर पे आए हो, या भाभी आप तीनों सही है आए हो ये घर पे, और आपने कहा हो कि आउट तो तुम 6:15 हो गए थे, 10:15 तक कहाँ रह गए थे तुम? All the time? Yes. हाँ, जब साथ में होते तो पता रहता है कि अभी मैच खत्म हुआ है नहीं। हाँ. जब आप घर पे हो, जैसे ये घर पे है, तब टीवी पे मैच देखते हो, टीवी पे मैच खत्म हुआ, आपको लगता है कि हाँ आधा घंटा लगेगा आ जाएंगे। हाँ. बट आपको ड्रेसिंग रूम में टाइम लगता है, हार जाते हो तो थोड़ा दुख में रहते हैं सब लोग, अपना कोने में बैठे चुपचाप बैठ रहे थे, अपना फोन ले लेके ऐसे करके देखते रहते हैं, कोई तो इनिशिएटिव लेगा जाने का, लेके चलते हैं, कोई नहीं लेता, जीत जाते हैं तो अलग माहौल होता है, सब बताते हैं, जो और जो परफॉर्म करता है वो तो सबसे आगे चलता है, कैसा ठीक है ना तू। अच्छा, बड़ी टफ जिंदगी है क्रिकेटर्स की। हमारा तो शो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद एडिट पे जाएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा, मान लो इनका तो लाइव चल रहा होता है, झूठ बोल ही नहीं सकते एक्चुअली। हमारे शो में भी ऐसा होता है, जो आर्टिस्ट आते हैं ना हमारे, अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी चली जाए तो शूट के बाद ही बाहर बैठ रहते हैं, चाय ला ना दादा। और खराब हो जाए ना, पैकअप से पहले निकल जाते हैं, मेरे यार फादर इन लॉ आए हुए। तो ऐसे भी होता है, हमारा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प रहता है ईटीए। मीडिया भी किया हुआ है, मैंने एक दिन बोल दिया जिमी जिप खराब हो गया, वो रोहन गावस्कर मेरे साथ थे, वो रोज बीवी को बोलता था ना जिमी जिप खराब हो गया इसलिए लेट हो गया, इन्होंने कहा जिमी जिप कैसे खराब हो सकती है, वो तो खराब ही नहीं हो सकती, तुम्हारा क्या लाइन कहा गया था। ओके, इनको ये भी पता है। तो चोपड़ा साहब कैसी कट रही है आपकी? बस बीवी को आपके प्रोफेशन की सारी नॉलेज हो। आई नो दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट फिनिश। अरे सर कैसे हैं आप? अरे बाप रे, दिल खुश हो गया देख के यार, शर्मा जी क्या करते हो यार, इतने अच्छे अच्छे मेहमान घर पे बुलाते हो, देख के मजा आ गया। वही हम सोच रहे हैं कि बाहर आज इतना चहर पहर क्यों आए, आज देखे मजे का बात देखे, सब कपल 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 शर्मा ऐसा सब जोड़ियां देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। शर्मा जी आपने कभी देखा है क्या ये लोग जब कभी हेलमेट पैड्स ग्लव्स पहन के मैदान में निकलते हैं, मां कसम एकदम क्रिकेटर लगते हैं। अरे लगते क्या, तो हैं तो तभी तो लगते हैं यार, पहन के तो हम भी निकलते हैं, आप नहीं लगते हैं। जया जी बहुत खूबसूरत हैं आप। धन्यवाद। जॉर्जियस लग रही हैं। जॉर्जियस। बस इसी तरह हमारी आंखों में आंखें डाल। ओए बच्चा क्या बकवास कर रहा है? हम दीपक जला के शो का शुभारंभ कर रहे हैं। दीपक जला के। अरे बाप रे। लेकिन आकाश जी, प्लेजर मीटिंग यू। ओके। You're a nice man. Thank you. आप जो करते हैं देख के भी बड़ा अच्छा, नहीं मतलब देख के पता चलता है कि आदमी बहुत ही हम्बल है। कैसे? नहीं नाम आकाश है लेकिन देखो पैर जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन आप जो कमेंट्री, अरे भाभी जी कमेंट्री आपका कैसा चल रहा है? ये कमेंट्री तो ये करते ना? नहीं नहीं ये तो मैच में करते हैं ना, घर में तो इनका ही चलता होगा।
कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आकाश चोपड़ा हमारे पति जा रहे हैं किचन में और इन्होंने स्पॉन्ज उठाया और कढ़ाई में डाला है और कढ़ाई को घुमा घुमा के और ये बेहतरीन तरीके से कढ़ाई एकदम साफ ऐसा करती हैं आप, चलता होगा घर में ऐसा। वैसे आप दोनों से एक और बात पूछना था, आप लोग का जब शादी हुआ जी, तो आपने अग्नि को साक्षी माना क्या, आपने अग्नि को आक्षी मान कर? वैसे आपको हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं। okay. ये कपिल शर्मा जी हैं, ये जो है ये अर्चना पूरन सिंह जी हैं, ये जो है ये ऑडियंस है, उनको दिख रहा है, क्यों बता रहे हो? तो हमें भी दिख रहा होता है कि बॉल सिक्स के लिए जा रहा है, इतना कूद कूद के क्यों बताते हैं? और ये गया बॉल बाउंड्री के बाहर, छक्का। अरे सर आप नहीं बताएंगे तो वो चौका नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके कमेंट्री के हम फैन हैं जी। हमारे चाचा जी हैं, वो भी आपकी कमेंट्री के बहुत बड़े फैन। ओके। अभी उनका बच्चा हुआ है, तो उनका मुंडन हुआ और वो अपना नामकरण कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि आप बच्चे का नाम रखेंगे। ये क्यों रखेंगे? अरे ये रखेंगे यार, ये सभी का नाम रखते हैं, आपको पता नहीं? अर्चना जी चतुर चालाक चहल इन्होंने रखा है, रसल द मसल इन्होंने रखा है, हार्दिक हिटिंग पांड्या इन्होंने रखा है, सभी के नाम रखते हैं यार, है कि नहीं? बात तो सही है। रख दीजिए नाम उस बच्चे का भी। और अगर बच्चे का नहीं रखना है तो हमारी ये भैंसिया है यहाँ पे, एक्चुअली इसका नाम फुलझड़िया है। अच्छा, फुलझड़िया। फिर कोई अट्रैक्टिव सा नाम अगर आपके दिमाग में आए, और ऐसी वैसी भैंसिया नहीं है, शी इज अ इमर्जिंग T20 प्लेयर। इसके एक लीटर दूध में आप 20 टी बना सकते हैं। T20। अरे ये हमारी भैंसिया मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हमको भी क्रिकेट खिलवाती है, अपना क्या कभी भी दूध दे देती है, हमें बाल्टी लेके दौड़ के जाके जंप करके ऐसा दूध कैच करना पड़ता है। और ये फुर्तीला बड़ा है, जैसे गोबर करती है ना, डाइव मार के कैच करता है। ये कब फालतू बातें कर रहा है यहाँ पे मेहमानों के सामने? शर्मा जी आउट का इशारा कैसे करते हैं? ऐसे। इसको थोड़ा सा इन लेकर आइए, ऐसे। लवली मेहमानों थोड़ा बातचीत करने दीजिए। तो हम बता रहे थे कि आप कभी ना हमारी भैंसिया को क्रिकेट खेलते हुए देखिए, आपको महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी कैसे याद? अरे अपनी पूंछ से हेलीकॉप्टर शॉट मारती है ये। ओ बच्चा अपनी लकड़ी की भैंस ले और यहीं से निकल जा। सर वो लकड़ी की नहीं है, वो तो क्या है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है सांड कुमार, उसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया है, थोड़ी उदास है, इसके लिए सूख के लकड़ी हो गई। क्यों हुआ ब्रेकअप? अरे ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वो धोखेबाज निकला सांड कुमार, किसी दूसरी भैंसिया के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था। इसने देख लिया और तुरंत कहा कि अब यार वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं जब रिलेशनशिप खत्म करते हैं, इट्स ओवर। हाँ इट्स गोबर। सांड कुमार भी ढीठ है, आए दिन इसे पटाने मनाने के लिए आ जाता है, लेकिन ये साफ मना कर देती है, कहती है ना। बच्चा तू ये भैंसिया को लेके इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? अब भैंसिया का नहीं है दोस्त, जानवर है, और हमें लगता है कि हर जानवर के अंदर ना एक इंसान छिपा होता है। हाय हाय। वो तो हमें दिख रहा है। शर्मा जी आप एक काम कीजिए। क्या? कोई भी काम पकड़िए और कीजिए, बिजी रहिए बस। सर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, किसी को बताइएगा ना एक कमाल का ट्रिक बताते हैं आपको, जिससे आपके सामने वाला टीम कभी 100 रन के ऊपर बना ही नहीं पाएगा। आप लोग ना मान लीजिए आपको पहले बैटिंग मिला है, अपना पूरा टीम से बात कीजिए और 90 पे ऑल आउट हो जाइए, मजाल है, सामने वाला टीम 100 बनाएगा फिर। ये किया तुमने जूते खाने वाला काम? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हमारे पास जोक्स का एक पिटारा रहता है, जोक पेश कर देते हैं। एक बार क्या होता है कि अपना विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और साथ में बुमराह है, तीनों मिलके ना एम्पायर को एक कुछ बात बताते हैं। एम्पायर जो है दो की बात पे यकीन करता है लेकिन बुमराह की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि बुमराह फेंकते हैं। अच्छा ये बात बताइए, ऐसा कौन है जो कितनी भी पढ़ाई कर ले, बहुत ज्यादा कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन कभी फर्स्ट नहीं आ सकता? कौन? थर्ड एम्पायर। अच्छा हमको ये बताइए कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है?
एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। और ये वाला बताइए, बड़े भाई और छोटे भाई में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उम्र का अंतर है, हर बात में जोक नहीं होता यार। क्या जोक ढूंढे जा रहा है? चलिए हमारे जाने का वक्त हो गया, हम चलते हैं, लेकिन आप यहीं पे रहना, रहना यहीं पर रहना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया, मिलते हैं सर। भाजी आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो सोशल मीडिया पे, उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़ा मजेदार करते हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ्स, दिखाई जरा। सुरेश पाजी ने फोटो डाला है पैराडाइज, लड़कों के कैप्शन बड़े छोटे छोटे होते हैं, बस पैराडाइज खत्म, बात यही लड़की होती है लिखती, देयर इज अ ब्लू ओशन एंड स्टैंडिंग नियर द, पता नहीं क्या क्या लिख देती लड़कियां, लड़कों को नहीं ज्यादा सूझता। बहुत अच्छी फोटो भाजी, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये लाइफ गार्ड को बता रहे हैं कि पानी में मेरा 5 का सिक्का गिर गया है, जल्दी निकालो वरना बहुत देर हो जाएगी। जब से इन्होंने चेन्नई सुपर किंग छोड़ी है, टी शर्ट ने पीला कलर भी छोड़ दिया, सिर्फ शेर रह गया है। ये बता रहे हैं इधर का 2 रन उधर का 4 रन, पानी में गई तो वही निकाल के लाएगा जिसने मारा है। भाई अकेले मालदीव्स में क्यों खड़े हो, बोलो तो फोटो एडिट करके बगल में एंजेलिना जॉली लगा दूं। बस आईपीएल के पास दिलवा देना। और दिखाइए, आकाश पाजी ने फोटो डाला है, वेयर एम आई, भूजो तो जाने। दिखाइए नीचे कमेंट्स, अपने फोन पे लोकेशन ऑन करके पता करें आप कहाँ हैं। हमें फुर्सत नहीं है, कृपया हमसे सवाल ना पूछे। मेरे पिताजी भी ऐसे ही भटक गए थे, 2 दिन बाद किसी महिला के साथ पाए गए थे। नीचे जाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियां, ऊपर आने के लिए एक भी नहीं। लॉजिक है, क्या कोई इंटेलेक्चुअल बंदे भी आते हैं, क्या लॉजिक है। और दिखाइए, आकाश चोपड़ा तो आप हो ही, आज चिकने चुपड़े भी लग रहे हो। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर रखा है और वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, आप प्लीज एक बार कमेंट्री में बोल देना कि रवीना प्लीज सुनील को अनब्लॉक कर दो। बोल देना बाजी यार, रवीना जी सुनील को अनब्लॉक कर दो, आई मीन लेजेंड है, लेजेंड। और दिखाइए, ओहो चार साहब क्या बात है, फर्स्ट टाइम ऑन टीवी, कैन यू गाइस टेल व्होम आई एम ट्राइंग टू कॉपी, बच्चन साहब, बच्चन साहब हैं, दीपक नाम तो सुना होगा। आज मेरे पास गाड़ी बंगला हुई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, शादी में लाइव तंदूर से नान के इंतजार में खड़ा बराती। दीपक भी लाइक, मैं आज भी फेंकी हुई बॉल नहीं उठाता, बॉलिंग करानी है तो बॉल हाथ में दो। लगता है इनका अगला एड कमर दर्द के बाम का है। लगता है किसी की गाड़ी बैक करा रहे हैं, कह रहे हैं आंदे आंदे आंदे। और दिखाइए, ओहो क्या बात है सुरेश भाजी, लाइफ फुल कलर्स एंड ड्रामा, सरसों के खेत पूरे शाहरुख खान बने हुए हैं आप। और दिखाइए नीचे कमेंट्स, रहना खड़ा खेत में फोटो रहा खिंचाए, ठीक से पकड़ो भाभी को कहीं भाभी गिर ना जाए। कबीर के दोहे। बढ़िया था भाई, कोई कबीर दास जी बन गया यहाँ। बंदा कितना ही सोबर हो, सरसों का खेत देखते ही शाहरुख खान बन जाता है। भाभी जी बिल्कुल बेफिक्र होके ये पोज इसलिए दे पा रही हैं क्योंकि रैना फील्डर अच्छे हैं, कैच कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने तो भाभी जी को एक हाथ से संभाला हुआ है, मेरी बीवी को इस पोज में पकड़ने के लिए मुझे मेरे अलावा मेरे दोनों बच्चों को भी बुलाना पड़ता है। और दिखाइए, ओके आकाश पाजी इतना लंबा कैप्शन, लड़के भी लिखते हैं, फैसिनेटिंग स्टोरीज, ये आक्षी ने लिखा है, नहीं ये आपका इतना मैं लिखी इतना लंबा है, क्या है पाजी पढ़ के बताओ। Lovely time with adorable people. Fortunate to be a part of the reunion of the Lagan team. Of course. Reunion of Lagan? आप Lagan में कहाँ थे? मैं नहीं था जी। हम Lagan वसूल करने गए थे। क्रिकेट वहीं से शुरू हुई थी ना। पहली बार इंग्लैंड को हराया था, फिर हम क्रिकेट खेले तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा जी। Whatever मतलब। Beautiful picture। आइए देखते हैं comments। लगता है आमिर खान तारे जमीन पर के बाद आकाश जमीन पर बनाएंगे। और दिखाइए आगे,
आकाश भाई के हाथ में डायरी है, लगता है आमिर मैच के पास लेने आए थे, इन्होंने अपनी पोएट्री सुना दी। रिप्लाई, तभी मैं सोचूं आमिर बिना चप्पल क्यों भाग रहे हैं। और दिखाइए रहा, जल्दी जल्दी में आमिर सलवार पहन के। और दिखाइए। ओ डीसी, लो जी आ गई वही फोटो, देख ले अभी बोल आ गई मुंह में गुलाब वाली फोटो। ब्यूटीफुल पिक्चर, दिखाइए नीचे कमेंट्स। 20 साल बाद यही फोटो देखने में बड़ी हंसी आती है, और 30 साल बाद तो आदमी छुपा ही देता है। आप मुंह में फूल दबा के आए हैं, हमारे जीजा जी तो मुंह में गुटखा दबा के आए थे। श्रीमती जी ने कोहनी तैयार कर रखी है, जैसे ये किसी और को देखेंगे सीधा छाती पे मारेंगी। है जय, यही यही स्ट्रेटेजी थी आपकी। ट्रू। और दिखाइए, भाभी सिर्फ आज नाच रही है, बाकी सारी जिंदगी ये नाचेंगे। आगे और दिखाइए। सुरेश भाई ने फोटो डाला, वेलकम टू दिल्ली फूडी। इसमें मैं भी बैठा हूँ, इतनी बड़ी रोटी। हाँ दीपक भी है बीच में। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। गलती से खली का नान इनके टेबल पे आ गया है। खली का नान। एक ने मुंह पे दाढ़ी रखी है और दूसरे ने दाढ़ी में मुंह। इन्होंने दो दो रोटी ऑर्डर की थी, कुक ने एक ही नान में निपटा दिया। देख लेना पीछे वाले अंकल को, जब तक टिप नहीं मिलेगी वो इनकी सारी फोटोज में आएंगे। पीछे कौन खड़े हैं सर? ये हमारे सीएसके में है जो चेक देते हैं हमें, पैसे देते हैं हमको। अच्छा ये नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट बंदे हैं। लगता है शेफ गलती से अपनी लुंगी सेक के दे गया। यार ये कैसे कैसे। और दिखाइए। आकाश बाजी ने फोटो डाला है, व्हाट आई एम लाफिंग एट आल्सो, व्हाट इज इरफान पठान ऑफिशियल थिंकिंग। बताओ बताओ बताओ, बिजी बड़ा रखते हो आप ऑडियंस को। एक्चुअली इसी बहाने कोई कमेंट कर लेता, वरना मेरी पिक्चर पे कमेंट नहीं करता। बड़ी बोरिंग सी लाइफ है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है पीछे वाले की ज्यादा हो गई, फिसल के नीचे आएगा। डबल कुल करनी है वो। आकाश भी लाइक, कितनी बार कहूं प्रियंका चोपड़ा मेरी कजन नहीं है, मैं नंबर नहीं दिलवा सकता। जब मैं क्लास की सबसे सुंदर लड़की से बात कर लेता था तो मेरे दोस्त भी मुझे ऐसे ही घेर के पूछते थे कि क्या बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है चोपड़ा साहब। और दिखाइए, दीपक ने फोटो डाला है, ये दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनको कल मकड़ी ने काटा था, इसलिए चेक कर रहे हैं ये स्पाइडरमैन बने हैं या नहीं। Oh God, this is brilliant. फिल्मों में देखा है ऐसे ही हीरो खड़ा होता है, तभी पीछे से हीरो नाके पकड़ लेती है, बाकी ये क्रिकेटर है इनका पता नहीं। डॉक्टर ने इनको बोला था जब तक दवाई नहीं सूख जाए खुजाना मत, ये उसको ही कंट्रोल कर रहे हैं। और दिखाइए, सो क्रिएटिव। खत्म, धन्यवाद। अच्छा आकाश पाजी की कमेंट्री जो होती है ना दूसरे कमेंटेटर से थोड़ी अलग होती है, खिलाड़ियों की तारीफ में जो फ्रेसिस बोलते हैं कि चतुर चलाक, चहल ने किया चंचल, मैक्सवेल को चलता, एंड्रे अंदर गेंद बाहर, देव तक पटिकल, क्रिकेट का सुनहरा कल, वहां तो बड़ा खूबसूरत बना के आप बोलते हैं। आज आक्षी आपके सामने बैठी है, 30 सेकंड के लिए आपको उनके लिए कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? 13 साल तक नहीं बोला जो आज आपने उनको कहने के लिए कह दिया, थैंक यू। ओके मिसेस चोपड़ा, आपकी चमक अलग है, दमक अलग है, और जो आपके हाथ से वो बेलन छूटता है उसकी कान पे लगने की खनक अलग है। ये आपने तारीफ करी है या धोखे मारा है? अब घर जाना, खाने में नमक भी अलग होगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। वैसे अगर झगड़ा होता है तो सॉरी कौन बोलता है? ये तो पूछने की बात ही नहीं, ये तो आते दुखी लगता है। ये क्या नहीं, सच सच बोलो। नहीं हमारे केस में तो यही बोलते हैं। नहीं 100% वो एक्सपेक्टेड है। इट इज एक्चुअली द इजीएस्ट वे टू एग्जिट। Oh. आप कितनी देर तक इसको, या तो लंबा कर लो, बाद में बोलोगे सॉरी, एक घंटे बाद बोलोगे, अभी बोल दो। आई मीन 5 दिन भी चल सकती है लड़ाई, अभी बोल दो।
वैसे रायना की हो सकता है कुछ दूसरी ओपिनियन हो, क्योंकि वो आजकल तो प्रभु प्रभु रायना जी कुछ ऐसा कि भाभी अपनी बंदूक हमारे कंधे से चला रहे हैं। शादी नई नई होती है तो दो दो तीन तीन दिन तक झगड़ा होता है, नहीं मुझे भी नहीं बात करनी, मुझे भी नहीं बात करनी है। अच्छा। अब तो इतना टाइम हो गया, लगता है यार खत्म करो 5 मिनट में, कांट डील विद इट एनीमोर। पर हमने देखा हमारे हिंदुस्तान का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि कितनी भी लड़ाई हो जाए सोने से पहले पति माफी मांग लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता, आई मीन ताकि सुबह उठे मुस्कुराते हुए मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमीत सर जब आप सॉरी बोल देते हैं आपको, उसके बाद भी मुक्का मारते हैं आप उनको? पता है ना वो 6 फुट 2 इंच का है वो, मैं उसको मुझे पता आपने स्टूल भी बनवाया हुआ है। स्टूल भी उन्हीं से मंगवाती, स्टूल लेके आओ कंधे पे मीट ना। आप दोनों की तो अभी भी शादी हुई, मतलब हाल ही में? मैं तो अभी माइंड गेम खेल गया था इसके साथ। हाँ हाँ, मैंने बुलवाया सॉरी से पहले। हाँ? मैं ही बोलता था। हाँ। तो एक दिन अभी घर पे कुछ बात हो गई, पापा ही थे घर पे, तो बॉस है जिनके सामने सबको ऐसे रहता है कि हाँ यहाँ से ही बिहेव करना, नहीं तो बहुत लंबी डांट पड़ सकती है। वो देते भी 1-1 घंटे के लेक्चर है बिठा के। हाँ मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। हाँ। तो ये अभी भी आई है, तो ये डरती है उनके लेक्चर से। तो मैंने कहा पापा घर पे हैं, अभी मौका है कि इससे बुलवा लेते हैं। हाँ। तो कुछ बात होगी, मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा, मेरे से बात मत कर। तो पापा को पता लग गया, खैर मैं इधर बैठा हूँ, क्या हो गया भाई? मैंने कुछ नहीं कि तुम ये लग इतने दूर बैठी है, तुमने उसमें देख रहा है, कुछ तो बात हुई बताओ। मैंने कहा देखो कोई भी लड़ाई हो मैं ही सॉरी बोलूँ, ये क्या बात है, गलती किसी की वो मेरे को बोलना पड़ता है। तो पापा ने समझाया इसको, फिर थोड़ी देर ना ये भी अड़ी, मैं पापा के सामने बोल दिया चल कोई बात नहीं सॉरी यार, ताकि अपनी अपनी इमेज खराब नहीं हो। पापा भी बोल रहे सॉरी बोल दिया, आप क्यों नहीं बात कर रहा तू? तो फंस गया, तो माइंड गेम खेल गई उधर। चलो 1 साल है अभी, ठीक है, जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे ना। पिछली बार आया था तो अलग सवाल थे भाई, मैंने वहाँ सिंगल था तब, यहाँ पूछा आया हूँ दूसरे सवाल हो रहे हैं, अब क्या पता अगली बार दूसरे सवाल हो। जैसे मैं कभी बाहर शोज के लिए जाता हूँ ना, तो ट्रेवल एजेंट पासपोर्ट मंगाता है, तो मेरी बीवी मेरा पासपोर्ट देती है, बीच में अपना, साथ में बच्चों का, और नीचे ना सबके दे देती है। आप कभी धर्म संकट में फंसते हो आप ऐसे? बिल्कुल, जब खेलने जाते थे पहले आईपीएल टीम तो हमेशा लुक आफ्टर करते हैं, वाइफ हो बच्चे हो मैनेजर भी हो, लेकिन जब इंडियन टीम में जाते उस टाइम पे पहले वाइफ अलाउड नहीं थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अलाउड करना बोला, उसके बाद फिर अभी तो आप वाइफ बच्चे, फिर नीचे दो नैनी भी जाती हैं। पाजी जैसे हमारे कहीं बाहर शोज होते हैं, जब कैनेडा अमेरिका गए तो बड़े रिश्तेदारों का भी मैसेज आते हैं ना पास के लिए, आपके आईपीएल जब होते हैं, मुझे याद है भज्जू पा को मैंने एक बार मैसेज किया, मैंने तो वैसे ही करना था, उनका फोन बंद 2 दिन, तीसरे दिन आया और पाजी, मैं कहा पाजी मेरे काम था कुछ, कहते नहीं नहीं मैं ना मैच से पहले बंद कर लेता हूँ यार, पास के लिए फोन बड़े आते। आपके साथ होता है ऐसे? नहीं बहुत होता है भाजी, अभी स्पेशली मैं दीपक चेन्नई के लिए खेले, जब भी मुंबई वर्सेस सीएसके का मैच होता था तो मतलब पास वो बल्क में मांगते हैं, हमें मिलते हैं 4 पासेस। अच्छा जी। जिसमें से फैमिली क्लियर कर दो आज टीवी पे, हमको 4 ही पास मिलते हैं। 4 ही पास मिलते हैं। तो हम दो हमारे दो, एक बीवी का पास और 2 बीवी के भाइयों के। हाँ तो कृपया हमारे खिलाड़ियों को तंग ना करें पास मांग के। जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, क्वालिफायर मैचेस हो, अभी तो हम कमेंट्री कर रहे हैं साथ में, लेकिन कमेंटर को भी पूछते हैं सर आप तो कमेंट्री कर रहे हो, सकता है प्लेयर आपके पास ही हो नीचे ग्राउंड में। पर कितनी बार ऐसे लोग बोलते हैं कि बीवी के होने से या गर्लफ्रेंड के वहां होने से डिस्ट्रैक्शन होता है, व्हाट डू यू से, डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा बहुत या इससे सपोर्ट? सपोर्ट बोलूंगा मैं तो, क्योंकि पहले जब मैच खत्म होता है वाइफ के साथ बैठे रहते हो। हाँ। लेकिन वाइफ अभी दे आर ऑल आर एजुकेटेड। यस। और वो टाइम दे देगी, आप स्कीपर के साथ बैठो, वाइस कैप्टन के साथ बैठो, कोच के साथ बैठो, पहले नहीं होता था वो। आई थिंक इट्स गुड टू हैव ए वाइफ अराउंड, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तो आप उनकी खुशी देखते हो तो मजा आता है ना बच्चे खेलने में। एक्चुअली वो अगर उनकी दुआएं लगेंगी तभी हम आईपीएल भी जीते, हमें डैड्स आर्मी बोला था इस बंदे ने। बोला था तब बीसीएस ने जीती है। जरूरी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी कभी प्लेयर ऐसे उसमें आते हैं सिचुएशन में, स्पेशली कोविड में, जैसे कोविड के अंदर आपको एक ही होटल में बंद रखते थे, आप सिर्फ ग्राउंड जाओगे और वापस आके आप किसी से मिल, अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते। जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट जो प्लेयर अगर खराब कर रहा है तो आपको कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको या अपनी फीलिंग साइकोलॉजिकली। ये वाली ना मैम जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन जो पिछला कप्तान था ना उसकी वाइफ को आना था, इसे सारी वाइफ आई मैच पे। कप्तान की वाइफ को आना है तो मेरी वाइफ जरूर आएगी।
और वही हुआ, उसके बाद कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बच्चे भी खेल रहे हैं, कोच भी खुश है, सिलेक्टर भी खुश है, जिसने रिजाइन दिया दोबारा वो सिलेक्टर बन गया, तो ये जो कप्तान था सब लाउट है। दोस्तों हमारी पत्नियां हमको बहुत प्यार करती हैं, वो हमें कभी कभी फोन करती हैं, वो इसलिए करती हैं बिकॉज वो आपकी केयर करती हैं, आपको प्यार करती हैं, लेकिन हस्बैंड जो होता है कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि यार मैं काम पे हूँ या ऐसा है। कौन से ऐसे पति हैं जिनको ये लगता है और कौन सी ऐसी पत्नी है जिनको लगता है कि हम इसलिए फोन करते हैं, आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो, ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट सुरेश सर, दीपक, आकाश सर। सर माय नेम इज चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं सर हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। अच्छा जी। और ये जो सर फोन वाली बात है, मैं तो सर बहुत ही परेशान हूँ। हमने हमेशा ही जब चंद्रशेखर नाम सुना ना तो उसके साथ चंद्रशेखर आजाद सुना है। शादी हो गई सर तो चंद्रशेखर आजाद नहीं है। चंद्रशेखर साहब पहले तो आप ये बताइए कि आप उत्तराखंड में क्या करते हैं और कब आपकी शादी हुई, फिर हम आपका मसला कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारी शादी 29 नवंबर 2020 में हुई थी। अभी 2 साल ही हुए हैं, तो क्या परेशान होंगे मतलब? सर मेरा काम जो रहता है ना, मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम देखता हूँ। अच्छा जी। अभी मेरे ऑफिस का जो टाइम है वो वैसे 6 बजे का टाइम है। सुबह 6 बजे का? शाम को। हाँ सुबह, मतलब थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। सुबह जल्दी क्यों जाते हैं, अखबार भी फेंकते हैं आप? तो सुबह मतलब सर पंचिंग जैसे प्लांट में रहता है तो पंच इन पंच आउट रहता है जी। शाम को 6 बजे का टाइम है छुट्टी का, तो मैंने मैडम को बताया वह 7 बजे का। अच्छा जी। और अपना 6:55 का अलार्म रखा हुआ है फोन पे कि अगर लेट हो गया तो फोन बजने के मैडम को अपडेट करना है कि अभी लेट हो जाएगा, मीटिंग चल रहा है। तो एक बार क्या रहा सर, 6:55 का अलार्म हो गया, मिस, एक अर्जेंट मीटिंग हो गया एकदम। तो मैं चला गया मीटिंग में। अच्छा जी। मैडम को फोन बजने शुरू हो गया 7 बजे से। अच्छा, फोन बज रहा है, मीटिंग चल रहा है, उठा नहीं पा रहा हूँ। तो कभी क्या हुआ कि मैडम ने बीच में कभी बॉस का नंबर लिया फोन से, तो सीधा अगला फोन बॉस को। अच्छा। और बॉस को कोई इंटर वेंटर कुछ नहीं, सीधा बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड के इधर है, घर क्यों नहीं आया। मैं मैडम से भी जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि वो ऐसे तंग करने वाली हैं। मैडम कैसी हैं आप? हेलो एवरीवन। भाई साहब क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? हाँ ये सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब मैं उस वक्त थोड़ा डर गई थी कि अभी तक क्यों नहीं घर आए हैं, तो इस वजह से मैंने फोन किया था। हाँ मतलब मैंने बोल दिया था इनके बॉस को कुछ कुछ की मतलब ने क्या करा मीटिंग में, मेरे बॉस ने बोला फोन ले लो, अपने वाइफ का अर्जेंट फोन है, बात करूँ। मैंने बोला हाँ हेलो, तो बोल रही तुम्हारे बॉस को अकल नहीं है, रात भर यहीं पड़ा रहता है, तुम्हें भी यहीं रखता है। उसके बाद सर फोन रख के बॉस को फोन वापस करा, तो बॉस बोल रहा है कि अभी तक फोन इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि आवाज दूसरे सामने वाले को सुनाई नहीं दे, ये बात अपनी वाइफ को बता देना। तो अब आप उसी कंपनी में है या खुद का कुछ कर रहे हैं? मतलब मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय हाय सर जी, क्या अटायर है आपका, कितनी खूबसूरत पगड़ी पहनी आपने, राजस्थान से आए आप? जी हाय कपिल, हाय अर्चना जी, हाय एवरीवन। हेलो सर, मेरा नाम कमलकांत चौहान है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। जॉब दिल्ली में करता हूँ। अच्छा जी। बैंक में जॉब करता हूँ तो सर शाम को लेट हो ही जाते हैं। हाँ जी। और जब मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग में कुछ महिलाएं भी होती हैं, तो मीटिंग बैंक बंद करके करते हो? नहीं सर, मीटिंग बंद करके नहीं करता हूँ, जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, जब सारा स्टाफ होती है, मीटिंग जैसे ही शुरू होती है, हाँ जी हाँ जी, और इनका फोन बजना शुरू, बजते ही रहता है, बजते ही रहता है, बजते ही बजते ही। आज आज तो बोल लेने दो। नहीं सर, सर नहीं बोले। हाय हेलो जी सर, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया मैम। ये बिल्कुल ही सही नहीं बोले, मैं 2-3 बार टेंशन से फोन कर लेती हूँ। टेंशन हो जाती है? हाँ, कभी लेट क्यों आए, बाकी मेरा ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, जैसे आप बैंक में जाके नोट बदलवा सकते हैं, ऐसे पति भी बदलवाने का कोई प्रावधान है? पर आप दोनों आज इतने प्यारे लग रहे हैं ना, आज ये किसका डिसीजन था कि इन कपड़ों में जाना है आप? 36 साल हो गए शादी के। वाह। और सर परेशान तो बहुत किया, पर अभी मेरी चोट लग गई थी। अच्छा जी। तो इन्होंने मेरी इतनी वो की सेवा देखभाल को, मेरे को हाउ स्वीट, सारे जो भी मेरे गिले शिकवे था ना सारे दूर, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। दूर। तो कभी कभी दोस्तों 36 साल भी लगते हैं पत्नी के गिले शिकवे दूर करने में, इंतजार करें। बहुत प्यारे हैं आप दोनों, बहुत प्यारे हैं आप। ये एक मेरी दिल की दुआ है, आप हमेशा खुश रहे बहुत, और बहुत, सही मायने में
कपिल शर्मा शो ही एक ऐसा शो है जो सबसे रियल शो है। शुक्रिया सर, हम तीन पीढ़ियां एक साथ बैठ के शो कर देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, आपके प्यार के लिए। मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की। शुक्रिया। तीन पीढ़ियां एक साथ शो देखती, मैं, मेरे पिताजी और मेरा लड़का। वाह, यही एक फैमिली शो है जो रियल फैमिली शो है। आपको बहुत बहुत दुआएं सर, आपके प्यार के लिए शुक्रिया। और कितनी खूबसूरत बात आपने कही है, तीन पीढ़ियां आप आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी जी, ये जी, जी। बहुत ही प्यारी खूबसूरत बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ। लव यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। मोहम्मद इश्तियाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अभी फोन के बारे में जो आप बोले उसके बारे में कुछ बोलना है? आपने एक ही जूता पहना है? नहीं सर, दोनों है। ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, वो बैठा था इसके लिए। सर मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ कंपनी में। अच्छा। कैशियर का काम करता हूँ। अच्छा जी। जब भी मैं फुल बिजी हो जाएगा काम करने में, कैश गिनने में, हाँ। तभी मेरी जिससे शादी होने वाली है, हाँ। वो कॉल करेगी तो, हाँ। मैं बोलूंगा कि अभी मैं बिजी हूँ, हाँ। थोड़ा टाइम बाद कॉल करता हूँ। अच्छा। तो जब मैं रिवर्स कॉल करेगा फ्री होऊंगा तब, तो मेरी साली फोन उठाएगी, वो अपनी बहन को फोन दे देगी। आपका अंडरवियर तो गीला नहीं है? नहीं सर, लगा के रखता हूँ। एकदम आप खड़े हो जाइए, बस हिलना ही नहीं। सावधान सावधान, हाँ अभी बताइए। तो मेरी साली फोन उठाएगी तो बोलेगी, जीजू आप बात नहीं करते, मेरी बहन दुबली हो गई है, खाना नहीं खा रही है। अच्छा। आपके चक्कर में। तो मैं बोलूंगा जैसे मैं बिजी रहता हूँ, अभी यहाँ पे कैश गिन रहा हूँ, तेरी बहन की वजह से क्या घर से पैसे भरूं? कितने पैसे गिन लेते रोज आप? एक लाख, डेढ़ लाख। असल बात सर ये है कि मेरी ये दूसरी शादी होने वाली एंगेजमेंट, पहली वाली टूट गई बेटा, ये भी टूट जाएगी, चांस है। पहली वाली मेरे पसंद से थी, मैं गांव से जब भी आया तो मम्मी ने उसको कैंसिल कर दिया। ओह माय गॉड, ये वाली भी कैंसिल होती लग रही तेरे भाई। एक्चुअली ये मेरे पसंद से है ही नहीं। ओ तेरी, ओ भाई। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचा क्या, अभी जैसा मम्मी ने बोला अभी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, घर वालों से बढ़ के थोड़ी ना कर सकते सर। सुरेश जी आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पर अभी मैम ने बताया कि घर पे आप ही खाना बनाते हैं, तो इसके लिए आपके ऊपर एक शायर याद आया। बोलूं? बोलो बोलो। शेर याद आया? पास सुन, पास सुनना, ये बहुत पास है और बहुत वायलेंट भी कभी कभी। मेरा थ्रो बहुत तेज है, मुझे सिर्फ तेरी गर्दन दिख रही है। मैं सिंगल स्टंप स्टंप रन आउट करता था। मैम आप बुरा मत मानना सर, सुना रहा हूँ। धोखा न खा जाना इसकी मासूमियत पे, धोखा न खा जाना इसकी मासूमियत पे, ये दिल में उतर कर कलेजा निकाल लेती है और कहती है इतनी मीठी आवाज कि अपना सारा काम निकाल लेती है। चलो 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 ना चुके। शुक्रिया ब्रदर, यार आप बड़े एंटरटेनिंग हो, और जो भी आपसे शादी करेगी वो खुशी रहेगी। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। दोस्तों आज हमारे बीच एक रियल हीरो मौजूद हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए 21,000 किलोमीटर पैदल चलने का प्रण लिया है। किरण वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। पहले तो अपने मिशन के बारे में बताइए सर, ये कब आपने शुरू किया? आप भी दो बच्चों के बाप हो और यहाँ सब लोग अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, सो मेरा प्रण है कि देश का एक भी बच्चा ब्लड की कमी की वजह से ना मरे, क्योंकि देश के अंदर 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की जरूरत होती है हमें हर साल। अच्छा जी। और जिसमें से सिर्फ 10 से 11 मिलियन ही मिलते हैं, अवेलेबल है, और 5 मिलियन जो शॉर्टेज है, उतने लोगों को एनकरेज करने के लिए वॉक कर रहा हूँ। एंड उसके लिए डेडलाइन भी रखी है कि 31 दिसंबर 2025, उसके बाद ना सिर्फ मेरा बच्चा बल्कि किसी का भी बच्चा ब्लड की कमी की वजह से ना मरे, एंड दैट इज द रीजन आई एम वॉकिंग ऑल अक्रॉस इंडिया। और यहाँ मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरी बात को इतना आगे तक रखा, लाखों लोगों तक पहुंचाया, और मैं चाहूंगा कि आप भी पर्सनली अपील करें लोगों से, आप सिर्फ अपने आजू बाजू के लोगों को ये बोल दीजिए कि ब्लड डोनेट करें, दैट्स इट। सर जी आप बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं, आप बड़े प्यारे इंसान हो आप, और हमें आप पे बड़ा गर्व है। हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है कि रक्तदान, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि रक्तदान महान दान, और रक्तदान करने से आपकी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आती है बल्कि वो अच्छा होता है आपके लिए। पाजी आपने इतना इंस्पायर किया ना, मैं कल ही जाके करके आऊँगा। लव यू किरण पाजी, शुक्रिया। आप
खुश रहें और बड़ा बड़ा नेक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए किरण जी के लिए एक बार। आइए किरण जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे शो पे आए, इतना मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर कपिल एंड अनायरा के लिए और तुषान के लिए कैंप पर हम लोग लेके आए। थैंक यू, थैंक यू भाभी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड अर्चना जी, इनका कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये कल मेरे ही बच्चे को गिफ्ट दे देंगे, मेरे को बताया इनका। हद करती हैं आप, किसको दोगी आप मेरे को बताओ? फोन में होने का इंतजार करूंगी। एंड दिस इज फॉर यू फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।